तव्हां खे ॼाण आहे त उत्तर सिंध जिते कंहिं वक़्त में धाड़ेलनि जो हिकिड़ो वॾो राज हो, रोड रस्ता वीरान हुआ, मेला जेके आहिनि उहे आबाद हुआ, वॾनि वॾनि नामी ग्रामी बदनाम धाड़ेलनि सां उन्हनि जा थाक ठहियल आहे, उन्हनि जा थम ठहियल आहे। उते जेको आहे अगवा जे लाइ जेको आहे अगवा भराए आवान ढुंग जे लाइ अगवा किडनेपिंग उहे जेके आहिनि ॾुहारी लिकाया वेंदा हुआ। पर वरी हिकु भेरो ॿीहर हीउ जेको साल आहे हिन गुज़िरियल हुन साल जे आख़िरी महीने जे दौरान वरी हिकिड़ी अहिड़ी लहर उभरी जंहिंमें खैरपुर मां चार पंज माण्हू अगवा थिया, सखर मां जेको आहे हिकु माण्हू अगवा थियो, या गोदगीअ मां त धाड़ेलनि जा जेके ॿेला नाश कया विया, हुन जा ठिकाणा तबाह कया विया, केतिरा ई जेके आहिनि उहे ॾुहारी जा हाफ फ्राई थी विया, या फुल फ्राई थी विया, या पेश थी विया, ऐं हुन खां पोइ हलाया थी विया पंहिंजे शहरनि सां, केसनि खे मोह ॾेई रहिया आहिनि। पर ही ॿीहर छो बदमनीअ जो जेको वाह मिलियो आहे हुन जा कारण छा आहिनि? असां एस एस पी सखर जेको ताज़ो भर्ती थी करे आयो आहे ऐं इरफान समूह उन सां वेठा आहियूं हुन सां गॾु। हाणे त इहो मूंखे सभ खां पहिरियां ॿुधायो त छा वेले में छा धारियल हिन वक़्तु बि मौजूदु आहिनि? उन में कचो बि आहे, उन में ॿेला बि आहिनि, ऐं इन ते बदनाम कचो ऐं बदनाम ॿेला जेके आहिनि हिते मौजूदु आहिनि, जिन में माज़ी में जीअं तव्हां ज़िकिर कयो त धाड़ेलनि जो ॾुहारियुनि जो हिकिड़ो स्ट्रांग होल्ड रहियो आहे। अलहमदिल्ला सिंध पुलिस वक़्तनि ब वक़्तनि ऑपरेशन्स बि कंदी रही आहे, ऐं इन्हनि जेको ॾुहारी अंसर आहे हिते मौजूदु आहे उन जे ख़िलाफ़ु सख़्त खां सख़्तु एक्शन बि वठंदी रही आहे, जंहिंमें असांजा तमामु सुठा पुलिस ऑफिसर्स रहिया आहिनि ऐं तमामु सुठा बहितरीन आईजीस रहिया आहिनि धाड़ेलनि ऐं ॾुहारनि जे ख़ात्मे जे हवाले खां। त काफ़ी शयूं बहितर आहिनि, पर ज़ाहिरी आहे जिते इंसानु आहे उते ॾोहु आहे, हिकिड़ो यूनिवर्सल फैक्टर आहे। मूं ज़िला सखर में ॿ ॾींहं पहिरियां ई हिते चार्ज वरिती आहे, छो त असां हितां जा लोकल माण्हू आहियूं, असां शयुनि खां काफ़ी वाक़िफ़ बि आहियूं, अवेयर बि आहियूं। त मूं अचण सां ई हिते कोशिशि इहा ई कई आहे त ॾोहु जुर्म ऐं ॾुहारी इन जो बिल्कुलु सख़्तीअ सां ख़ात्मो थियणु खपे। ऐं मूं हिते जीअं तव्हां बागड़जी जो ज़िक्र कयो, तव्हां शाहबले जो ज़िक्र कयो, त मूं हिते लिस्टूं डेवलप कराए छॾियूं, असां क्रेक डाउन स्टार्ट करे वरितो आहे, हाणे बि मुंहिंजी टीम हुते ऑपरेट करे थी शाहबले जे अंदरि, जंहिंमें असां काफ़ी जेके मशकूक ॾुहारी उन्हनि जा फैसिलिटेटर्स उन्हनि जे जॻहियुनि खे असां बुलडोज़ बि कयूं था, हुन जे स्ट्रांग होल्ड खे असां न्यूट्रलाइज़ करण जी भरपूर कोशिश करे आहियूं। हिकिड़ी सां हिकमत अमली ऐं हिकिड़ी स्ट्रैटेजी जेके एडजॉइनिंग असां डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि उन्हनि सां बि मुंहिंजो राब्तो आहे, उन्हनि एस एस पी सां बि मुंहिंजो राब्तो आहे, ऐं इनशाला गॾिजी करे असां हिकिड़ो बहितरीन कम बि कंदासीं ऐं ज़िला सखर खे इन बदमनीअ जे कंहिं बि अहिड़े अनफॉर्चुनेट लहर खां इनशाला बचाइण जी कोशिशि कंदासीं। जेको शाहबेलो आहे, शाहबेलो में कंहिं वक़्त में ॾुहारियुनि जी जन्नत सम्झो वेंदो हो, जीअं खैरपुर जा न धाड़ेल वग़ैरह जेके हुया त उहे बि अचे उते पनाह वठंदा उतां भॼी करे, ऐं उतां जो नांगवा या वरी उते जेको तेगाणियुनि जो टिबो आहे, जेको शिकारपुर खे कचो, जेके ॿिया कचा लॻनि था, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ऑपरेशन बि थिया आहिनि, ऐं उन मूं केतिरा ई धाड़ेल अहिड़ा जंहिंमें बचलो तेगाणी या मुख़्तलिफ़ मिसराणी जेके धाड़ेल उहे पेश बि थिया, ऐं कुझु केसनि खे बि मुंहुं ॾिनो, कुझु हफ़राई बि थी आहे। तव्हां सम्झो त हींअर कहिड़ा कहिड़ा धाड़ेल माना उते अञा मौजूदु आहिनि जेके हिन महिल ताईं हेतिरा एस पी वग़ैरह आया ऐं उन्हनि जे गिरफ़्त खां बची? ॾिसो, धाड़ेल जो रशो हुते मौजूदु आहे ऐं कुझु टाइम खां उहे असांजो जेको इलाइक़ो आहे इहो कचो आहे, उहो मतिलबु ऑपरेशन जे दौरान उहो कचो छॾे करे ऐं कंहिं ॿिए जॻहियुनि ते वञी मुंतक़िल बि थी विया आहिनि। हिन वक़्तु जीअं बागड़जी आहे या शाहबेलो जो तव्हां ज़िक्र कयो, पुराणे टाइम्स में जेके मशहूरु धाड़ेल हुया, बलराम धाड़ेल हुया जेके, उनजो तमामु सुठनि असांजो बहादुर एसपी उनजो ख़ात्मो बि आंदो, हिन वक़्तु बि मौजूदु आहिनि। जीअं मां तव्हांसां ज़िक्र कयो त असांजो जेके लिस्टूं आहिनि उहे डेवलप कयूं था, छो त न सिर्फ़ तव्हांजो जेको कच्छ जो लोकल धाड़ेल आहे, जीअं तव्हां मिसराणनि जो ज़िक्र कयो या तेगाणनि जो तव्हां ज़िक्र कयो, इन खां काफ़ी ॿिया बि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि में मुख़्तलिफ़ कबीलनि जा जेके बदकिरदार ॾुहारी आहिनि उहे अची हिते हिननि सां अटैच थियनि था, ऐं हिननि सां जागीरणी आहिनि, भगवार आहिनि, मुख़्तलिफ़ इन क़िस्म जा जेके धाड़ेल आहिनि उहे बिल्कुलु हिते मुंहिंजी मौजूदगी बि आहे, ऐं उन्हनि जी असांखे क्रासिंग वग़ैरह जी बि रिपोर्ट्स वग़ैरह अचनि थियूं,
जंहिंजे करे जीअं मां तव्हां ॾिसो त इन मौजूदगी जे करे असां हिकिड़ी हिकु हिकमत में बि जुड़ूं पिया ऐं कुझु मूं डिप्लॉयमेंट करे बि छॾी आहे ऐं अनकरीब असां इनशाला उन्हनि जो बि जल्द भगवार आहिनि मुख़्तलिफ़ अहिड़े क़िस्म जा जेके धाड़ियल आहिनि उहे बिल्कुल ते मुंहिंजी मौजूदगी बि आहे ऐं उन्हनि जी असांखे क्रासिंग वग़ैरह जी बि रिपोर्ट्स वग़ैरह अचनि थियूं जंहिंजे करे जीअं मां तव्हां ॾिस पियो त इन मौजूदगी जे करे असां हिकिड़ी हिकु हिकमत में बि जुड़ूं पिया ऐं कुझु मूं डिप्लॉयमेंट करे बि छॾी आहे ऐं अनकरीब असां इनशाला उन्हनि जो बि जल्द ख़ात्मो आणींदासीं। हे जेके मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन थिया आहिनि त उन में पुलिस वटि अहिड़ो ऑपरेशन जे लाइ जदीद साज़ सामान कोन्हे। मिसाल जेका बख्तरबंद आहे उन खे खणी ऐं परे पासे ॾिठो त विच ते मुख़्तलिफ़ वाह था अचनि, मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि दरियाहनि जा उहे चाढ़ा अचनि था, उहो ॿेटनि में माना धाड़ियल वेठा आहिनि। हिकिड़ो यरगमालीअ खां मां हाणे जेको इंटरव्यू कयो बाज़ियाब थी आयो आहे त उते नंढड़ा नंढड़ा ॿेट आहिनि, उते घर ठहियल आहिनि, उते माना रहनि था। त छा ऐं ॿियो हुननि जी जेका अचु वञ आहे जो हिकिड़े ज़िले मूं टपी करे ॿिए ॾे जेकॾहिं ऑपरेशन मिसाल घुटकीअ जे या सखरे पासे खां शुरू थो थिए त उहो परियनि पासनि ॾे टपी था वञनि, त इहा पुलिस जी कोआर्डिनेशन आहे या पुलिस खे उहे मतलबु आहे सामान आहे त जंहिंसां उन्हनि जो हिकु दफ़ो ई जड़ बचो नास थी वञे। ऑपरेशन रिसोर्सिस कुझु मौजूदु आहिनि ऐं कुझु शॉर्टेज बि आहे उन्हनि जे लाइ मुंहिंजे आजी साहब सां हेलीकॉप्टर जी मां ज़िक्र कयो त आजी साहब सां मुंहिंजो कल्ह ॻाल्हि ॿोल थी आहे। आजी साहब बि असांखे मैक्सिमम रिसोर्सिस ॾियण लाइ बिल्कुलु इंश्योरेंस बि ॾिनी आहे ऐं उहा रेडी बि आहिनि। असां हिन इलाइक़े में हाणे बिल्कुलु इहा बिल्कुलु कॉन्सेप्ट न आहे कोई को नोगो एरियाज़ आहिनि, बिल्कुलु नोगो एरियाज़ न आहे। जेके फोर्सिस आहिनि उते ऑपरेट कनि था ऐं मुख़्तलिफ़ जेके ॾोहारी आहिनि उन्हनि जे घरनि ताईं असां पहुची चुका आहियूं ऐं हुनखे असां बुलडोज़ बि कयो आहे ऐं कुझु माण्हू असां हिरासत में वरिता आहिनि। SSPs مختلف آیا جن اچي ۽ هاف فرائي ۽ فل فرائي جو هڪڙو اصطلاح مروج ڪرايو جن کي مثال ڪوڙو مقابلو چئجي بلڪه پر ان سان هڪڙو ڏوهارن ۾ وڏو خوف پکڙجي ويو ان سان امن امان جيڪو چهرو ٺهيو آهي ان سان ٺهيو آهي تان جي ان جي باري ۾ ڇا رايا هاف فرائي يا فل فرائي اسان قانون جي بلدستي ۾ اعتبار ڪيو ٿا جيڪو بي عمل ٿين کپي قانون جي دائري ۾ ٿين کپي बिल्कुलु उहो स्ट्रिक्ट हुजणु खपे ऐं इनशाला असां बि हिते वेही करे कानून जे दायरे में ऐं जेको बि कानूनी एक्शन हूंदो जेको सख़्त खां सख़्तु एक्शन हूंदो उहो असां वठंदासीं। तव्हां कोर्ट में पेश करण ते यकीन रखो था या ॾोहारीअ खे बाक़ाइदा हिकिड़ो थॾ ते सज़ा ॾियण में लीगल वे आहे? जुडिशरी मौजूदु आहे, असां उन मौजूदा सिस्टम में यकीन रखूं था ऐं बहितरीन सिस्टम आहे। तव्हां क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जेके बि टे बेस्ट क्लीयर्स असां अचनि था जंहिंमें पुलिस आहे, जुडिशरी आहे या असांजो जेका प्रिज़न आहे, इन में असां यकीन कयूं था ऐं कानून में यकीन कयूं था, एतमाद बि आहे ऐं असांजो कोआर्डिनेशन बि आहे तमामु जजनि सां ऐं अलहमदिल्ला जेकॾहिं पुलिस सही तरीक़े सां लीगली शयुनि खे इन्वेस्टिगेट करे ऐं जेके बि इन्वेस्टिगेशन जा जेके रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आहिनि जेकॾहिं उहे उन्हनि जो प्रॉपर तरीक़े सां पूराउ थिए त ॾोहारनि खे सख़्त खां सख़्तु सज़ाऊं पिणु अचनि थियूं अदालतुनि मां। ऐं मां हिन शइ में यकीन कयां थो त जेको बि अमल हुजणु खपे कानून जे दायरे में हुजणु खपे। हिंदू दीवान अगवा थी वियो रमेश, उनजो छा थियो? उनजे लाइ बि असांजा एफट्स जारी, मूं तव्हां सां हाणे बि ज़िक्र कयो त हिन वक़्त बि जेके असांखे मौजूदु इंफॉर्मेशन आहे उनजे लाइ ऑपरेशन जारी आहिनि ऐं इनशाला जल्द जल्द इनशाला जल्द सिंध में धाड़ेलनि जो ॿीहर जनम उन जे हवाले सां असां डॉक्यूमेंट्री अव्हां खे ॾेखारे रहिया आहियूं। हिन वक़्तु असां खैरपुर जे SP उमर तुफ़ैल साहब वटि मौजूदु आहियूं त उन सां इन्हनि जे मुतालिक़ ॻाल्हायूं था। हा, सभु पहिले इहे बताइएगा के बोला जा रहा था के चार लोग यहां से अगवा शुदा थे जिसमें एक चाचर जो कचे से अगवा हुआ, दो जो कांदड़े और एक जो शेख वगैरह जा कुछ उसकी ऐसी ज़ात थी जो रानीपुर का, तो उनके बारे में तफसील थोड़ा सा। रिगार्डिंग चार लोग जो कि यहाँ से अगवा का कहा गया, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दूँ कि बेसिकली चार लोग हैं ये इकट्ठे कोई एक टाइम पे यहाँ से गए भी नहीं थे, नंबर वन। नंबर टू बात ये थी कि जी इसमें जो अगवा जिसको आप कहते हैं दैट वॉज ओनली वन गाय जो कि यहाँ से अगवा हुआ था 5th December पे, और वो कच्चे के एरिया से जब अपनी ज़मीनों को पानी लगा रहा था वहाँ से उसको चाचर। जी चाचर जो था उसको वहाँ से अगवा किया गया था और उसको 24th December को विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल
मतलब जो कहते हैं ना कि एक पैसा दिए बगैर उसको हमने रिकवर करवाया, जो कि मेरे ख्याल में लास्ट 1 to 2 years, मैं कहूँगा बल्कि 1.5 years to 2 years में कोई भी बंदा जो कि खैरपुर ज़िले से अगर गया है वो विदाउट रैनसम पे किए, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मे बी वो कितने हद तक कंफर्म है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है या मेरी नॉलेज है, उसमें विदाउट वो रैनसम दिए यहाँ पे नहीं आया। तो मेरे ख्याल में पुलिस की बड़ी कामयाबी थी, जो फर्स्ट केस जो एक ही हमारा अगवा हुआ है जिसमें पुलिस ने रिकवरी भी की, पुलिस ने उनके जो मल्टीपल बंदे ऑलमोस्ट कोई 50+ बंदे भी अरेस्ट किए, उसके अलावा एरिया सर्चेज भी हुई और उनके जो पनाह गाहें थी या जो सेफ हेवन जिसको कहा जाता था, जो कि लाड़काना डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पे हमारा बॉर्डर टच कर रहा है, खैरपुर टच कर रहा है, या इवन उसमें शिकारपुर का जो मदेजी का एरिया है, वहाँ पे हमने मल्टीपल ऑपरेशंस करके और हमने इनके फैसिलिटेटर्स भी पिक किए, उनके ऊपर हमने केसेस भी किए, उनकी जो सेफ हेवन्स थे जो अनएक्सप्लोर्ड थे उसको भी हमने तबाह किया। एंड आफ्टर दैट जो एक स्ट्रगल थी पुलिस का, एक साइकोलॉजिकल वार उनके साथ चल रही थी, आफ्टर 21 days जी वो बंदा हमने रिकवर किया विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी टू डिक्वेट्स नॉट फ्राम, मतलब जो इवन जो उनके वो थे। बाकी जो आप तीन लोग बताए जा रहे हैं, एक जो मैंने इनिशियली यहाँ पे चार्ज अज्यूम किया दैट वाज 14th of August, उसके बाद मुहर्रम के बाद एक जो शेख आप बता रहे हैं रानीपुर से, उसको वो मिसिंग था, किडनेपिंग नहीं थी। उस मिसिंग में वो ये था कि फीमेल वाइज पे वो इस डिस्ट्रिक्ट से गया था एंड समवेयर ऑन द बॉर्डर ऑफ सखर और शिकारपुर, चेक कह दें, मतलब वो तो उसका एरिया एग्जैक्टली जो बताया गया था वो बॉर्डरिंग एरिया में था, तो वहाँ पे वो लेडीज़ वाइस पे गया था। लेडीज़ वाइस मींस के उसको एक जिसको ट्रैप कहते हैं, ट्रैप के थ्रू बुलाया, तो बैन हुआ थी बेसिकली वही उसी कंटिन्यूएशन में, और उसको फिर बुलाया गया था, वो उसमें गया हुआ था। तो उसको मैं तो पहले अगवा में गिनता भी नहीं हूँ, अगर जहाँ पे उसको ये ट्रैप भी लगाया गया था दैट वॉज दैट एरिया। 4 lakh rupees कह रहा है, देन तो वो तो जी मेरे ख्याल में आप उससे पूछ लें कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उनके कंसर्न आप SSP से पूछ लें, कंसर्न पुलिस जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, SHO से पूछ लें। देन अगेन जो आप बता रहे हैं जो दो कांदरे थे, अगर उनको आप चेक करेंगे, बेसिकली वो बिजनेस करने गए हुए थे, अपना भूसे का बिजनेस कर रहे थे, वो भूसे के चक्कर में यहाँ से गए। हाँ जी मैं बता रहा हूँ आपको, पहले वो लाड़काना गए सुबह मॉर्निंग में, लाड़काना से वो दोबारा आए टूअर्ड शिकारपुर में, फिर अगेन ये जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पे उनको किसी के पास ले जाया गया, इम्परसोनेट किया गया, और वो जो यहाँ पे एक नो गो एरिया जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली 24/7 कह दें या 12 hours ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, जहाँ पे पानी होता है और पुलिस का ऐसे एक्सेस नहीं होता, जो कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वहाँ पे उनके साथ हुआ। अगवा जो है वो रैनसम के लिए, अगवा जिसको अगवा किडनेपिंग कहते हैं वो एक हुआ, बाकी जो तीन रेजिडेंट खैरपुर के हैं लेकिन वो ना यहाँ से मिस हुए ना अगवा हुए, मैं दोनों वर्ड्स बता रहा हूँ जी। मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, एक चांडियो था जो फोड़ी चांडियो का कह रहे हैं, वो उस शेख में भी और इसमें भी, यानी डाकुओं के साथ उसका ताल्लुक था, वो टंडे मस्ती कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, उसके जी वन ऑफ द जो गैंग मेंबर था उसमें एक पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुआ था, एज हम लोगों ने अप्रोच किया एंड ट्राई टू रन अवे। चांडियो इज ऑन आवर वॉच लिस्ट एंड इंशाल्लाह उसको अनकरीब आने वाले दिनों में आप देखेंगे, इंशाल्लाह जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी उसके पीछे हम करेंगे जी। अभी जो खैरपुर का कच्चा है जिसमें बहुत बड़े डाकुओं के गिरोह रहते थे, तो अब उनकी क्या पोजीशन, वो अभी भी हैं, उनके सेफ हेवन हैं, या उनको तबाह कर दिया गया है, या वो यहाँ से भाग के दूसरे इलाकों में चले गए हैं? और दूसरी बात ये कि अगर ठीक है ये जो अगवा हो रहे हैं वगैरह हो रहे हैं, तो जो शिकारपुर में या उधर जो कच्चा है चले जाते हैं, जो मगवी एक दूसरे को बेच देते हैं, तो पुलिस की एक खुद की है उस पे हम राय कि भाई इनको ऐसे जो है ख़त्म करना है मिलजुल के? खैरपुर के कच्चे के बारे में मैं आपको यही बात करूंगा कि खैरपुर का जो कच्चा है वहाँ पे ऐसा कोई एरिया नहीं है जो कि नो गो एरिया फॉर पुलिस, आप उसको स्टार्ट करें। लेकिन शिकारपुर में मैं जी अभी मैं आता हूँ उस तरफ आपके पास, कि जो अगर हमारा एरिया हमारी जुरिस्डिक्शन में है, या वो लाड़काना को टच कर रहा है, या वो शिकारपुर को टच कर रहा है, फिर सखर को जो टच कर रहा है,
एज फार एज कच्चा ऑफ खैरपुर इज क्लियर, यहाँ पे जो मेन ग्रुप्स थे दैट वाज नारेजो ग्रुप, देन फुलपोटोस का ग्रुप था और जतोईस का कुछ था, अगर आप उसको देखेंगे दे आर स्टिल इन कच्चा एरिया बट इट्स डजेंट कम अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये मैं बड़े अथेंटिसिटी से आपको ये बात कर रहा हूँ, बिंग एस एस पी खैरपुर, ये मैं आपको बात करूँ। नंबर वन। नंबर टू, जो इनके सेफ हेवन से लोग यहाँ पर रह नहीं रहे, दे डोंट हैव दैट सेफ प्लेसेस ओवर हेयर। हाँ, उनके कोई फैसिलिटेटर, उनके जो गैंग मेंबर जो कि शायद पुलिस की नॉलेज में नहीं हो, वो यहाँ पे डॉर्मेंट होंगे, जैसे स्लीपिंग सेल्स होते हैं, उससे हम इनकार इससे नहीं करते कि डेफिनेटली वो होंगे, जब कभी यहाँ पे कोई क्राइम होता है तो लोकल की इन्फॉर्मेशन के बगैर वो नहीं होता। ठीक है जी, तो उसके ऊपर अभी हम काम भी कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लिस्टें बनाई हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम ऑपरेशन भी लॉन्च कर रहे हैं। देन वी हैव अगेन, जो आपने बताया कि जी जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, आपने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स बताए, उनमें जो कच्चे एरिया के आप बताएं, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, जो पहले ऑफिसर्स थे उन्होंने भी, जो करंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी, बट कुछ एरिया की जो ज्योग्राफी ऐसी है कि जहाँ पे पानी की वजह से वहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पुलिस मोबाइल, फॉर पुलिस टायर एपीसी और चेन एपीसी टू मूव देयर, क्योंकि जब वो जाते हैं तो पानी की वजह से वो मूव नहीं कर पाते। उस वजह से वो हुआ ये, मैं तो कहूँगा कि पुलिस की सक्सेस थी कि पहले जब 2014 की हम बात करते हैं, 13 की बात करते हैं, उस वक्त ये होता था कि तमाम लोग आपको फ्राम जैसे आप कराची से निकलते थे तो जामशोरो के करीब भी आपको लोग मिलते थे, फिर हैदराबाद में, फिर मटियारी में, देन अगेन नवाबशाह में, फिर नौशेरों में, एंड खैरपुर, सखर, घोटकी, इधर से अगर आप देखेंगे तो लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, हर एक में मिलता था। अभी आप देखेंगे तो टोटल ये स्क्वीज होके दो या तीन पॉइंट्स बन गए उनकी, इतनी ओवरऑल, जैसे कि आर्मी का ऑपरेशन अगर आप देखें जो कि एरियाज में, ट्राइबल एरिया में स्टेप वाइज होता है, तो मेरे ख्याल में वो जो स्टेप वाइज इन्होंने एरिया क्लियरेंस कर करके ये हुआ है कि टोटल जो ये हमारे चार डिस्ट्रिक्ट का जंक्शन बनता है, जिसमें सखर, शिकारपुर, लाड़काना एंड खैरपुर, देयर कपल ऑफ पॉइंट्स जो कि बाउंड्री लाइंस हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की, वहाँ पे अ कपल ऑफ, मतलब दो एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी इनकी एग्जिस्टेंस है लेकिन वहाँ पे एक्सेस नहीं है। उसके लिए हम लोग जो ये दो डिविजन्स हैं, लाड़काना डिवीजन एज वेल एज सखर डिवीजन, उनकी डीआईजीज ने कपल ऑफ वीक्स भी एक मीटिंग की थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, जैसे हमारा जो मगवी वापस हुआ, हम डिस्ट्रिक्ट की इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी कि यहाँ से हमारी टीम हम रात को 9 बजे भी कहते थे, जो कंसर्न एसएसपी दोनों मेरे साथ, शिकारपुर के एसएसपी, मैं साजिद अमीर सदाई साहब का इसमें शुक्रिया भी अदा किया मैंने कि उन्होंने ऑल आउट हमारे साथ में सपोर्ट की, या जो लाड़काने के एसएसपी हैं मसूद बंगज साहब, उन दोनों ने ऑल आउट करके हमारी हेल्प की, हेल्प इस तरह कि उन्होंने एक्सेस दी अपने एरिया में हमें, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया, उन्होंने हमें एपीसीज दी, टारगेट मेरे होते थे, इन्फॉर्मेशन मेरी होती थी, इंटेलिजेंस हमारी होती थी, लेकिन जब वहाँ पे रेड करने जाते थे तो ऑल आउट सपोर्ट की वजह से ये हुआ कि जो उनको वो एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का जो रिडिक्शंस का जो इशू हो रहा था तो वो खत्म हुआ। अब नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, जी उससे फायदा वो लोग ले रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इस बार उसको हमने फायदा लिया, हम लोग एक टीम की तरह आए और आपने देखा कि हमने रिकवरी की। नेक्स्ट स्टेप में यही हो रहा है कि जो घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर एंड सखर, इनके साथ भी हमारा एक लाइजान हुआ है, इंशाल्लाह उनको भी हम एरिया क्लियर करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली अगर आप पहले देखेंगे, जो आप अगवा की बात भी करते हैं, पहले दिन दहाड़े आके नेशनल हाईवे से दीवान्स को, बाकी कोई इस तरह बिजनेस ओरिएंटेड लोगों को, हाँ जी बिजनेस ओरिएंटेड लोगों को पिक करते थे। अभी आप देखेंगे आवर हाईवेज आर सेफ, आवर मेन टाउन आर सेफ। अभी जो मेरे पास एक अगवा हुआ वो एक फार्मर था, अल्दो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कच्चे में अपने जो उसकी ज़मीन थी जो कि बंद के बिल्कुल करीब थी, वहाँ पे वो पानी लगा रहा था पानी को, अब उसमें उसको पिक किया गया। इसका मतलब है कि वो लोग जो दिन दहाड़े आते थे और हाईवे से लोग को पिक करते थे या घरों में जाके लोग को उठाते थे, अगवा होता था, उनका लेवल इतना पीछे चला गया है कि वो आए इतना बड़ा ग्रुप हो के एक बंदे को पिक किया और उसको ही वापस करना पड़ा। नंबर वन। नंबर टू, वो इम्परसोनेट करके अभी काम कर रहे हैं, वो आएंगे डिसगाइस में आके या लेडीज वॉइस पे या बिजनेस के हवाले से लेके जाते हैं, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि हाँ उसमें मैं ये कहूँगा कि जो हमारा शहरी है
जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार अगर आप मेन शहरों में आपको एक चीज़ नहीं मिल रही, वो कौन सा बिजनेस जाके आपको उन एरियाज में मिलेगा जहाँ पे थोड़ा बहुत अभी भी डाकों का असर भी है, और वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो उसकी प्रॉक्सिमिटी है, उसकी जो जियोग्राफी है, उसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और स्पेशली पुलिस उस हद तक वहाँ पे जा नहीं सकी है। लेकिन इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और आप देखेंगे कि सिंध पुलिस ने बहुत काम किया। जो अभी एक रस्म चलने के लिए है या इस्तलाह इजाद हुआ है फुल फ्राई और हाफ फ्राई का, जिसमें जो डाकू जख्मी होते हैं तो बिल्कुल एक ही स्टाइल से एक ही जगह पे उनको गोली लगती है, यहाँ पर वो फुल फ्राई, इससे यानी कि कानूनी के मावरा तो दूसरी चीज़ है, लेकिन इससे डाकुओं में बड़ा खौफ पैदा हुआ और जो गिने चुने थे वो भी या भाग गए या पेश हुए या कुछ मारे गए, तो उस अमन अमान के बरकरार रखने में इन्होंने चीज़ों ने बड़ा काम किया है। आपकी क्या राय है? जी, जैसे कि आपने कहा कि डाकुओं के जो पिछले ऑपरेशन हुए तो उसमें काफ़ी फर्क पड़े, मैं ये कहूँगा कि यार जहाँ भी अगर कोई लॉ के अगेंस्ट जाएगा और चीज़ होगा, हम लोग उसको अकॉर्डिंग टू लॉ जो लॉ कहती है उसमें हम करेंगे। और जो आप इनकाउंटर से कह रहे हैं, अगर जेन्युइन इनकाउंटर्स जो रूटीन में अगर होते हैं, कोई पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और खुदा ना खास्ता पुलिस मोबाइल पे हमला करता है और उसमें होता है, तो वो तो एक है, उसको तो आप रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो हो रहा है उस वक्त। आप ये तो कर नहीं कर सकते कि कोई पुलिस पे फायर कर और पुलिस आगे से जवाब ना दे। तो मैं यही कहता हूँ कि जी जो भी चीज़ हो वो बाई बुक हो, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, एंड डेफिनेटली जब आप पुलिस एग्रेसिव मोड में आती है, इट्स अ फोर्स एंड इट्स अ फोर्स अगेंस्ट क्रिमिनल्स, जो मैंने पहले आपको मेंशन किया, तो डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी भी आएगी और चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। जैसे आपने खुद कहा कि जो भी एक्टिविटीज़ पुलिस की रहीं उसकी वजह से या डाकू भाग गए या उन पुलिस मुकाबलों में उनकी कमी हुई, गिरफ्तार हुए, तो मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ हमारी इस तरह चलती रहेगी तो नेक्स्ट 6 to 8 months आप देखेंगे फर्दर बेहतरी आएगी। असां मौजूदु आहियूं लाड़काणे में ऐं असां सां मौजूदु आहे सिंध पुलिस जो SSP, जेको हिन वक़्तु मौजूदु आहे लाड़काणे जो SSP आहे मसूद अहमद बंगे साहब। उन सां त धाड़ेलनि जो ॿीहर जनम उत्तर सिंध में उन ते ॻाल्हायूं था। हा, इहे बताइए बंगे साहब के बहुत अरसा हुआ के डाकू समझो निस्तो नाबूद हो गए थे, रस्ते खुल गए थे, खौफ का समा नहीं रहा था, लेकिन अभी मुख्तलिफ अजला में से रैनसम के लिए तावान के लिए जो है वो अगवा की वारदातें हो रही है, और वो जो डाकू है उनकी जो पनागाहें वो दरिया के इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी, वहाँ से अगवा करके और लाड़काने के कच्चे की हदूद में दाखिल हो जाते हैं, तो इस पर आपका क्या जो है? मैं अपने ज़िले की हद तक ये कहूँगा कि हमारी तरफ कोई SH एक तो कोई किडनैपी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई महफूज पनागाह है। और रिसेंटली कच्चे में हमने बहुत बड़े कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें जो काफ़ी केसेस में मतलूब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हमने गिरफ़्तार किए हैं, कुछ सरेंडर हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारे कच्चे में कोई SH एक्टिविटी है। बहरहाल फिर भी हमने कैंप्स लगाए हुए हैं और कोई इस तरह किडनैपी की नहीं है हमारी तरफ से। बाकी अजला के इर्द गिर्द का मुझे इतना आइडिया नहीं। रिसेंटली एक फिर लोगों में खौफ फैल गया है ना कि भाई ये लोग अगवा हो रहे हैं और उनसे तावान भी मांगा जा रहा है, फिर उनको लेके और जो अपना शाहबेलो है ये शिकारपुर के एरिया में, वहाँ से जो खैरपुर से अगवा, तो ये जो मुख्तलिफ ज़िलों के हदूद हैं तो डाकू दरिया को किनारे को क्रॉस करके फिर दूसरे ज़िले में दाखिल हो जाते हैं, तो उनमें जो अजला है उनमें कोआर्डिनेशन है एक मुकम्मल ऑपरेशन, तो उसी वजह से देखिए ये चीज़ पिछले कई दहाइयों से चल रही थी और सिंध पुलिस ने इसमें आके पहली दफ़ा 2014-15 में जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, हमारे जमाली साहब आईजी साहब थे तो फ्री हैंड था, सिंध हुकूमत ने भी भरपूर साथ दिया और ये सारा क्लीन अप हुआ। अभी अगर थोड़ा बहुत हुआ तो उसके लिए जो है ना पुलिस अपने अपना ज़िला हर कोई मुतहरक है और काफ़ी एक्टिवली हम इसको परसू कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि फॉर द फर्स्ट टाइम रिवराइन पुलिस का आइडिया मैंने फ्लोट किया है और उस पर काफ़ी वर्किंग हो गई है। 2-3 दफ़ा मीटिंग्स आईजी साहब के पास हो गई हैं कि कश्मीर के कच्चे से दादू के कच्चे तक रिवराइन पुलिस यूनिट बनेगा जिसमें अराउंड 1500 के लगभग पुलिस एहलकार होंगे जिनके पास कश्तियाँ भी होंगी, इक्विप्ड होंगे और APCs भी होंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ
कच्चे में जो किडनैपिंग होती है या जो कबायली झगड़े जो कच्चे के इर्द गिर्द आके रह जाते हैं उसको ये डील करेगा। और क्योंकि यहाँ से जो पुलिस जब कच्चे जाती है वो 8-10 दिन 15 दिन तो कैंप लगा के रह जाती है, लेकिन फिर उसने वापस आना होता है, तो ये वहीं पर परमानेंटली होंगे और वही उसी कबीलों से ही होंगे। और इंशाल्लाह इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये यूनिट अगले 5-6 महीनों में फंक्शनल हो जाए। मौजूदा पोजीशन तो ये कच्चे में जो दरिया है आने जाने में वो कश्तियां भी सही नहीं है, या APC उनको ले जाने के लिए कोई जरिया नहीं है, तो अभी तक जो डाकू है उनकी वो पनाहगाहें बनी हुई। देखिए वो अभी हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ तक पुलिस की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो जजीरे नुमा है, वहाँ अगर जाएगी तो पुलिस का नुकसान हो जाता है। हमारे पास कोई ऐसे सिक्योर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, अपैरेटस नहीं है जिसमें हम उन तक पहुंच सके। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी अगर आप देखें सिंध पुलिस की जो कामयाबियां हैं वो सैकड़ों शहीद करवा के हमने इस सिंध के अवाम को, गरीब लोगों को इनकी इनके सड़कों चंगल से डाकू के चंगल से भी छुड़ाया, और इनकी जो रोड्स हैं उनको हमने सिक्योर किए। अभी आप आसानी से घूम सकते, एक आध दुक्का वारदात हो ही जाती है, वो तो अगर आप देखें अमेरिका और यूरोप में भी इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन एज अ होल पॉजिटिव ये है कि सिंध पुलिस ने अपने बलबोते पर ये सारी अचीवमेंट्स की हैं जानों का नजराना देकर, और इंशाल्लाह आगे भी अगर ये यूनिट खड़ा हो गया तो इससे भी हमें बड़े फवायद मिल जाएंगे। इस वक्त कितने डाकू होंगे जो यहाँ से लेकर गुडू कश्मीर तक जो दरियाई इलाका है, जैसे सखर भी आ गया, शिकारपुर भी आ गया, खैरपुर आ गया, लाड़काना भी आ गया, तो ये इस वक्त यानी कि वो जो डाकू है उनका तादाद कितना होगा? देखिए हर जिले के अपने अपने फिगर है, कभी कोई काम माइग्रेट हो जाता है, कोई बलूचिस्तान चले जाते हैं, पंजाब के कच्चे में चले जाते हैं, रहीम यार खान का भावलपुर का, फिर इधर आ जाते हैं, तो ये तो मूवमेंट होती रहती है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। लेकिन बहरहाल हर जिले में, हर जिले के जो कच्चा है, हर जिले के कच्चे में मैं समझता हूँ 15-20 के लगभग का एक गैंग होता है जो ऐसा आईलैंड जजीरा वो पकड़ लेते हैं, जिसमें तो जो वारदातें भी फिर कर रहते हैं, सेफ हेवन होती है, पुलिस की वहाँ एक्सेस नहीं रहती, सखर और शिकारपुर शाबेलों की तरफ है। अच्छा, असला अभी जैसे आप कर रहे हैं रॉकेट लॉन्चर, LMG वगैरह जो उनके पास बड़े बड़े कौन से हथियार हैं? उनके पास LMGs हैं, रॉकेट लॉन्चर, इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, और इसके अलावा जो है ना हैंड ग्रेनेड्स, तो ये सारी चीजें उनके पास। कौन कौन से डाकू ऐसे बड़े बड़े जो नामी ग्रामी जो इस वक्त भी कच्चे में मौजूद है? मुनीर मिस्रानी है, आपको हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, अभी रहीमू फुलपोटो है, ठीक है ना, नारेजोज में भी बिल्कुल जो है, हाँ नारेजोज में वो पट्टू नारेजो और ये सारा का भी शर में सुल्तू जो है ना थोड़ी बहुत उसकी एक्टिविटी है, बहरहाल सेंडर भी हुआ था वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने होने के बाद फिर अभी कर रहा है, बस कभी कभी हो जाती है। तो बहरहाल अभी हैं चंद एक गैंग्स हैं, नहीं जा रहे। अच्छा। तो अभी चंद एक गैंग्स हैं और इंशाल्लाह इसको भी हम काबू कर लेंगे, जिस तरह 98% तक हमने काबू किया तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे। असा सा मौजूद है जो 2000 के दौर में पुलिस पारा शाबेले जो डोहारी धाड़े करार दिनल बलकशेर मिश्रणी, जो 2004 में जो पुलिस के आडो पेश थो, पेश थियण का पोजे केसन जो कानूनी तौर ते मुंह दिनो, 2009 में वरी हूँ जो जेल में आजाद थो। ते मत कड़ा केस लगल सही? कुल सरकारी केस, प्राइवेट केस मुझे पता न हो। अच्छा जी, जैसे 2004 में ऑपरेशन शुरू थे, इतने शबीर से केस भी हो, जैसे पुलिस उत लथी आई अस मसलो चक्कर, तो उत मुझे कहीं पुलिस अमलदार से राबो थो, उन मत इनाम आया ऑपरेशन तेज खिलाफ आ बबा अस पेश पड़ ला हाजिर हूँ, कहीं केस की खबर ही नहीं, तो मुझे मत केस भी थे, इनाम भी थो, इनाम वगैरह मुझे मत न हो। 2004 में शबीर शेख पा पेश पियो, अगवा जो केस अगवा जहाँ बेस हुआ पेश थ पेश थियण खां पोइ जीअं पुलिस चवंदा आहिनि हाफ फ्राई करे छॾींदी आहे या फुल फ्राई शइ माण्हूअ खे मारे छॾींदी आहे, त तव्हां सां अहिड़े क़िस्म जो सलूक न कयो वियो ऐं हुनखे क़बूल कयो वियो? साईं जॾहिं असां पेश पियासीं DPO शबीर शेख हुयो हुते, उन वटि जॾहिं मां पेश पियो, मां ऑफिस मूंखे वठी आया पंहिंजा पुलिस अमलदार, उन पुछो नालो मूंखे ज़ात त भाउ कीअं तव्हां अचो, मां चयो साईं मथां पुलिस जो आई मसलो थियो, ख़बर पई असां हर शइ खे छॾे असां तव्हां वटि पेश पिया आहियूं, हुन जी महिरबानी आहे, असां हुनखे कुझु बि न चई सघूं, असां हुनखे दुआ था ॾियूं, हा जेको असांजी झंग ज़िंदगी में निकिरी असां हिकिड़ो शहरदार थिया आहियूं,
ہن جی مہربانی تا منا پیش پیو تو پولیس تشدد وغیرہ وہ بالکل بالکل نہ تشدد نہ کیو نہ کیو بالکل اسا پولیس تاون کیو اچھا ہاں اچھا ہلو تا سا تاون کیو تا جیل ہلیا ویو تا وری ون کیسن کے منہ ڈنو ان کا پو تا جو سوٹ ماسا تو نجف مصرانی وری متا شیر مصرانی اوے بھی پیش تھیا چا اوے تا جے جو کوئی مثال قائم تھو تا ان کے دسی کرے انن بھی چوتا سا ہتھ دیوں ا ونی ہوں پنجے کیسن کے منہ دیوں ادھاڑے لن زندگی کو ان کو بیزار صحیح کچے میں رہو پیا کا خبر نہ ہوئی جڑے ما تو ڈنو پیش بھی وری جڑے مازا تھیم ہوں جی مجھے زندگی شہر میں رہے مجھے تو ان بھی مشورہ ڈنو تو بات ہاتھ ڈیو سٹی زندگی گزارو تو مجھے سوٹ نجف دین ٹے سال جیل میں رہو جو گھڑو انعام پنجی لکھ جی وہ آزاد تھو ان کا پورے شیر مصرانی ہاتھ نو پیش پیو ہاں سٹی زندگی گزارن تھا ماشاء اللہ وہ شیر مصرانی تے گھڑو انعام پنجی لکھ انن پیش تھیا انن کے کوڑو خطرو جا پولیس دی طرفو مارن جا بالکل کچھ بھی نہ بالکل کچھ بھی نہ ہاں ان کے سٹی عزت ملی اور میں یہ تو چاہاں جے ڈواری رہندا مہربانی کرے او کیسا ظلم نہ کن کہیں زندگی نہ ہزارن جے رت دے پن آزاد گزارن جے اسا زندگی گزاریندا نانے اکڑو تو مثال تو سجو مر اغوا کرے سجو مر ڈو کرے سجو مر مانن کے مارے وری اچ پیش تھن وری پنجو ہتھ دین تو پتہ ایو تو سہی ان کے تو کورڑ کندی نہ جے کو ڈو ڈواری تو زارن سزا ملدی جے وقت میں تا مانا کچے میں رہو پیا تمل نارے جا دھاڑیل وغیرہ وڈو مانا ایکڑو سمجھو تے وقت ملک بھرل ہو مانو ان میں منظور سکھراڑی اغوا تھو پانجو جو کو شوکت آرائی ایکڑو اغوا تھو جو کو ان جو روڑی سیمنٹ فیکٹری جو ہو مختلف ایکڑو اہلکار اغوا تھیو تے یہ ایڑا جے کے اغوا تھن پیا ان وقت جی صورت حال میں شاہ بیل جی موجودہ صورت حال میں چھا فرق سے تنے دواری بالکل رن پیا نارے جا ہو یا سندیلا ہو یا اسا جے متھن پریشر بن مان جے کرے پیو جے بیا مانو رہیا جڑا اپریشن تے سجا مانو پیا تو اتا چیا سب لڈیا ہن کیڑو مانو نہ شابیل سٹی زندگی گزار دوانی سب من کچے جا مانو شہر اچن ونن گھمن پھرن دا ایڑو کون تھی سکے کو چند مانو ہو جے بگن دھال شابیل من نہ لائے چوندا تے ہن مطلب جکا من خیر پور جا لڑکانے جا بھجی کرے جا اگوا تھل تھم چے ایتھے دا سن شابیل سہی اسا پان شہر مرو تے مجھے پرن سکر گھرا ہن شہر شابیل مجھے اچن گھٹا مکھے ایڑو مانو نظر نتو جے جکو مانا مانو وٹھی اتے راہ ہے تھی سکے اڑو مانو ہو جے بھی سہی پرانے دور جا جے کے دھاڑیل ہویا جے مثال ابراہیم سندیلو تھیو نظرو نارے جو تھیو بیا کیڑا کیڑا مشہور جے کے نامی گرامی دھاڑیل سادو نارے جو تا ابراہیم نالو کھیو جے دھنو شیخ ہویو کافی لائے ہویا دمیا ہویا ہاں دمیا دمیا اصل میں تو شامل ہی ہویا بیا آیل نہ ہویا ان جے قومی جھڑن دے کرے کیس لگیا دمیا دمیا دھاڑیل وار نہ ہویا کہ بیلا ختم تھی ان ون کٹ جی ویان میں جا وری پولیس اپریشن دا دھاڑیلن جو پناہوں پناہ گاہوں جے کہ انوے ختم کیوں ویوں پر سکھر سکھر کان پو شکارپور شکارپور کشمور گھوٹکی انن دے وچ میں جے کو کچو آ جا بھگڑی جی وارو جے کو کچو آ جا لڑکان دے پاسے جو آ تے اوتے انیا ب دھاڑیل رہن پیا انیا ب سروائیو کن پیا انیا ب پنجا جے کہ ان اوے کدھا کم جاری رکھیو پیا چن اجازت دینا پنج میزبان شوکت نوناری کے صدائیں کر